अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मशहूर कोलकाता चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है और ये बहुत कम मसालों के साथ बनती है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट सी बिरयानी है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। कोलकाता बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम वो मसाला तैयार करते हैं जो कोलकाता बिरयानी में डाली जाती है। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून ये ड्राइड रोज पेटल्स हैं, 4 टुकड़ा है ये दालचीनी का, ये 15 लौंग है, ये 20 से 25 हरी इलायची है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा है और 1 टीस्पून ये वाइट पेपर है जिसको दफनी मिर्चें कहते हैं। ये 2 से 3 आप ले लें बड़ी इलायची काली वाली, 2 बादियान के फूल और ये जावित्री है। ये जावित्री मैंने 3 से 4 ब्लेड्स हैं, इसको मैंने चूर कर लिया है और ये हाफ जो है वो जायफल है, आधा टुकड़ा जायफल का है। तो इन सबको मैं एक बर्तन में बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए, 2 से 3 सेकंड्स के लिए मैं इसे रोस्ट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी वरना इसका जो फ्लेवर है वो जल जाएगा। उसके बाद मैं इसको अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेती हूँ। तो देखिए हमारा गर्म मसाला पाउडर जो है वो तैयार है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें 1.5 कप ऑयल मैंने डाला है इसमें और मैं 3 बिल्कुल फाइन स्लाइस की हुई प्याज को फ्राई कर रही हूँ, इसमें मैं डाल दूँगी। प्याज को हम बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, बहुत क्रिस्पी भी बना है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए प्याज मैंने निकाल लिए और कुछ प्याज मैंने पैन में ही रहने दिया, बस ये थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें रहने दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो आलू तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ, आप अपनी मर्ज़ी से आलू की क्वांटिटीज कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ 4 आलू लिया है और ये बड़े साइज़ की थी तो मैंने इसको बीच से कट कर लिया। आलू इसमें बड़े बड़े ही जाते हैं, अगर आपके आलू का साइज़ थोड़ा छोटा हो तो आप पूरा आलू ले लें और इसमें देखिए बीच में ये फॉक्स या किसी भी पॉइंटेड चीज़ से आप इसे प्रिक कर लें, ताकि दूर दूर पर प्रिक कर लें ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो अंदर तक चला जाए और आलू जल्दी पक जाए। तो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए इस तरह मैं इसे मैं थोड़ी दूर पे मैंने इसको प्रिक कर लिया, बस इस तरह सारे आलूओं को हम प्रिक कर लेंगे। अब इन आलूओं पे हम चुटकी भर डाल देंगे फूड कलर, देखिए बिल्कुल मैंने थोड़ा सा डाला है और इसे हम हाथ से बहुत अच्छी तरह सारे आलूओं में मिक्स कर देते हैं। देखिए हल्का हल्का सा सब में कलर आ चुका है और ये आलू जो है कोलकाता बिरयानी में ज़रूर डाली जाती है, क्योंकि बिना आलू के वहाँ की बिरयानी जो है इनकम्प्लीट है, फिर वो अवध ही या लखनऊी बिरयानी बन जाती है, क्योंकि दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आलू का फ़र्क होता है कि अवधी बिरयानी में हम आलू नहीं डालते और कोलकाता बिरयानी में आलू बिल्कुल डाली जाती है और इसको पकाने का भी बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। तो चलिए आलू हम अब पकाना शुरू करते हैं और ये बहुत देखिए जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था मैंने थोड़ा ऑयल निकाल लिया है और थोड़ा सा रहने दिया है इसमें, क्योंकि इसमें हम आलू कुक करेंगे और मैंने थोड़ा सा प्याज भी आलू के लिए ही रखा था। अब इसमें हम आलू ऐड करते हैं, अब हम बस कुछ सेकेंड के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं हम आलू को, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई किया तो प्याज जो है वो फिर जल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राइड है, बस हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको फ्राई करने की। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें पानी 1.5 गिलास, ये 1/2 गिलास और डाल दिया, और इसमें हम डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ये बिरयानी मसाला जो मैंने अभी बनाया था, 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डाला है मैंने पानी के साथ मिक्स करके, अब इनको हम बहुत अच्छी तरह सबको मिक्स कर लेते हैं। इससे अभी से ही ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, अब इसे हम कवर करके इसको हम 80% तक पका लेते हैं, क्योंकि हमें 100% इसमें कुक नहीं करना है, क्योंकि जब हम लेयरिंग करेंगे तो ये चावलों के साथ भी दम पे पकेगा, तो 80% जब हो जाएगा फिर से हम आलू को निकाल लेंगे। तो आलू जो देखिए हमारा 80% बहुत अच्छी तरह पक चुका है और अब इसे हम पैन से निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा टेस्टी और फ्लेवरफुल आलू जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे एक साइड को हम रख देते हैं। अभी जो मसाला बच गया है इसी में हम चिकन डाल देते हैं। तो
देखिए मैंने चिकन डाल दिया है इसमें, और ये चिकन जो है हमारा वो 1 kg चिकन है, और मैं एक कर लेंगी मसालों के साथ जो भी बचा हुआ था मसाला। अब इसमें हम और दूसरे मसाले भी ऐड करते हैं। ये चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ, और 1 kg ही मैं चावल भी यूज़ करूँगी। 2 tablespoon हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है 2 tablespoon। 1 tablespoon पहले भी डाला था आलूओं के साथ। इसमें हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर, हम इसमें डालेंगे 2 teaspoon डालेंगे, क्योंकि इसमें काली मिर्ची वगैरह भी काफ़ी गई हैं, वाइट पेपर भी है। ये 2 से 3 हम तेज़पत्ते डाल देंगे, और 2 teaspoon हम फुल डाल देंगे ये बिरयानी मसाला जो बनाया था। हम सॉल्ट डाल देते हैं 2 teaspoon। इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल, जो मैंने प्याज फ्राई करने के टाइम यूज़ किया था ये वही ऑयल है, मैंने निकाल लिया था आलू पकाने के टाइम में। इसमें हम डाल देंगे दही, ये मैंने 250 ग्राम दही लिया था, और ये पानी जो दही मैंने जिस लिया था उसी का है ये, मैंने इसको डाल दिया। और एक पानी जो है एक बोल में और डालूँगी, तो ये दूसरा बोल भी चला गया। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसमें पानी मैंने इसलिए ज़्यादा डाला क्योंकि इसमें यखनी मुझे चाहिए होगी चिकन को पकने के बाद, क्योंकि करके 80% तक हम कुक करेंगे चिकन को भी, क्योंकि अगर हमने पूरा इसमें पका लिया तो फिर दम पे ये बिल्कुल चूर हो जाएगा। अब इसे हम कवर करके 80% तक कुक कर लेते हैं। हमारा चिकन पक रहा है, जब तक मैं चावल के लिए पानी बॉईल कर लेती हूँ, तो पानी में मैं डाल दूँगी ये 2 tablespoon सॉल्ट है, 2-3 तेज़पत्ते हैं, ये हरी इलायची 4 है, 4-5 लौंग है, और 2-3 टुकड़े ये दालचीनी के। 1 teaspoon में हम ज़ीरा डाल देंगे। अब मैं पानी में डाल दूंगी 1 lemon का मैंने जूस लिया है पूरा, वो मैं डाल रही हूँ। लेमन जूस से चावल जो है वो बिल्कुल वाइट और फ्लफी बनेंगे। अब थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल, तो देखिए पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह बॉयल हो रहा है। अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी जो मैंने 1 घंटे पहले लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को मैंने अच्छी तरह वॉश करके सोक कर दिया था, मैंने उसका पानी अभी निकाल लिया है। अब मैं इसको डाल देती हूँ क्योंकि बॉयल इसमें आ चुका है। अच्छा, चावल डालने के बाद कभी भी आप स्टोव का फ्लेम वो लो ना करें, हमेशा हाई पे ही रखें उसे, जब तक अच्छी तरह बॉयल ना होना शुरू हो जाए चावल। तो चावल को मैं 60-70% डन करके फिर इसका पानी मैं निकाल लूँगी। चावल हमारा पक रहा है, अभी रेडी नहीं हुआ है, जब तक हम चिकन देख लेते हैं, चिकन हो चुका होगा। तो चिकन भी हमारा 80% गल चुका है, अब इसे हम सेपरेट कर लेते हैं यखनी से। देखिए चिकन पीसेस मैंने निकाल लिया है, अब यखनी जो है वो हम इसको छान लेते हैं। चावल जो है वो 60-70% डन हो चुका है, अब इसको हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेते हैं। तो देखिए चिकन को सेपरेट करने के बाद ये जो यखनी बची थी ना, उसमें से इसको मैंने अच्छी तरह इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है, और से जितनी भी चीज़ें थी इस तरह की वो सब निकल आई हैं। अभी बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ये हमारा रेडी हो चुका है, जितना हमें चाहिए था, करीब 1.5 कप हो गए ये। अब हम लेयरिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसमें हम बिरयानी दम लगाएंगे उसी में हम ये डाल देते हैं यखनी को। अब इसमें हम डाल देते हैं ये फ्राइड अनियन, ये हम करीब 1 मुट्ठी डाल दिया मैंने। बिरयानी मसाला डाल देंगे 1 teaspoon। इसमें हम डाल देंगे चिकन, आलू, थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे हम 1/2 कप। अगर आपकी यखनी कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मिल्क। अब इन सबको हम एक दफ़ा बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ये फ्रेश क्रीम है, मैंने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है। मैंने 100 ग्राम के करीब क्रीम लिया है, मैं अभी इसमें डाल रही हूँ 1/2, और 1/2 चावल के ऊपर डालूँगी। ये 100 ग्राम खोया मैंने लिया था, मावा या खोया कुछ भी कह लें इसको, मैंने थोड़ा सा इसको दूध के साथ लिक्विड सा कट कर लिया है ताकि ये मिक्स होने में इसको आसानी हो। तो ये मैं 1/2 भी डाल रही हूँ, गोश्त के ऊपर डाल रही हूँ, और 1/2 चावल के ऊपर डालूँगी। और ये है काजू का पेस्ट, जिसको मैंने मिल्क के साथ ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल फाइन पेस्ट है ये, हम पूरा डाल देंगे काजू पेस्ट यहीं पे। और ये 8 से 10 मैं आलू बुखारे डाल दूंगी, ड्राई प्लम, 1 lemon का जूस डाल दूंगी मैं,
हम बिल्कुल हल्के हाथों से सबको बहुत ही आराम आराम से मिक्स कर लेंगे, बस ऊपर नीचे कर लेंगे। अब इसमें हम बॉइल्ड राइस ऐड करते हैं। तो चावल भी चला गया, अब इसमें जो बचा हुआ खोया क्रीम वगैरह था वो हम डाल देते हैं। थोड़ा सा हम बिरयानी मसाला भी स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से। ये मैंने बहुत देर पहले, करीब 1 घंटे पहले ही हल्के से वार्म मिल्क में ये सैफ्रन थोड़ा सा डाला था मैंने, 1-2 चुटकी, और थोड़ा सा फूड कलर भी मिक्स करके मैंने डाला था, वो अब डाल देती हूँ। थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड कर देंगे। ये मैंने थोड़ी सी यखनी बचाई थी वो मैं साइड्स में डालूंगी चावल के, ताकि चावल जो है हमारा बहुत फ्लेवरफुल बने। बस किनारे किनारे में थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर है, उसमें केवड़ा एसेंस सिर्फ 4 ड्रॉप है बस, और मैंने मिक्स कर लिया दोनों को, अब वो मैं ऐड कर दूँगी। अब हम घी डाल देंगे, हल्का हल्का सा, जहाँ जहाँ घी डाला है हल्का सा डेंट कर देती हूँ, ताकि जब ये गर्म हो तो मेल्ट होके घी जो है वो नीचे तक चली जाए। अब सारी चीज़ें इसमें जा चुकी हैं, इसे हम फॉइल से पहले कवर कर देते हैं ताकि अच्छी तरह ये सील हो जाए। इसका हम लेट कवर कर देंगे और इसके ऊपर कुछ वेट रख देते हैं, और इसे हम 10 मिनट तक रखेंगे हाई फ्लेम पे, हाई टू मीडियम, और फिर हम 20 मिनट्स तक बिल्कुल लो पे रखेंगे। फिर इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी, फिर आपको हम दिखाएंगे आधे घंटे बाद। तो पहले आधा घंटा हो चुका है, मैंने 5 मिनट पहले इसका स्टोव मैंने ऑफ कर दिया था, अब मैं इसका लीड हटाती हूँ। खुशबू तो ज़बरदस्त सी आ रही है, और स्टीम देखिए, मैं बिरयानी देखिए आपको दिखाती हूँ। देखिए चावल कितना अलग अलग बना है, बिल्कुल खिला खिला सा है ये। तुम्हारी बिरयानी जो बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बिल्कुल चावल भी खिला खिला सा है, और बिल्कुल अच्छी तरह 100% सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और कुछ भी छूट नहीं हुआ। देखिए आलू भी नहीं टूटा, गोश्त भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिरयानी को देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है, और इनमें मैंने इसमें बॉयल्ड एग डाला है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग एग डालते हैं, बहुत लोग फ्राइड कोफ्ते भी डालते हैं, पर कंपल्सरी नहीं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और लेकिन आलू तो बिल्कुल मस्ट है वहाँ। और हमारी फ्लेवरफुल बिरयानी बिल्कुल तैयार है, तो एक दफ़ा आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत मज़े की डिफरेंट सी बिरयानी है, बहुत टेस्टी होती है ये। अल्लाह हाफिज़।